मनी बसम पिछले वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव की क्रियाकलाप उसके बारे में पढ़ रहे थे और जानकारी कर रहे थे। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमीबा में पोषण, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग पोषण मिश्र करेंगे और समझेंगे इसके बाद क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। देखिए अमीबा में पोषण कैसे होता है, जो अमीबा होते हैं ठीक है वे कैसे पोषण करते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। अमीबा जो होते हैं काफी सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या ऐसे भी साधारण हम लोग देख सकते हैं। जैसे कहीं भोजन गिर जाता है, देखिएगा इसमें कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसमें अमीबा जो होते हैं क्या कर जाते हैं, उसको अनुन्मिल करके और सक्रिय कर देते हैं और वो क्या कर देते, समाप्त कर देते हैं। अमीबा में कोई जो होता है निश्चित एकाकार नहीं होता है, ठीक है समझ रहे, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर भोजन अगर गिरा हुआ है, भोजन है यहाँ पे ठीक है, कोई भोजन है तो इसका आकार जो है ऐसे बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते इसको क्या कर लेगा जी, इसको अपने अंदर कर लेगा और अंदर करके इसमें पोषण होने लगेगा, इसी को क्या करेगा वो ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। जैसे ही ये भोजन यहाँ पर निकल करके इस प्रक्रिया से और अपने भोजन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, इसको क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे ठीक है। और इस खाने को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खानी बोलते हैं क्योंकि अपना एक पोषण ऐसे करता है। दूसरा भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ भोजन गिरा है और यहाँ से मौजूद है ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, इसका जो है आग जो है ऊपरी भाग उभरने लगेगा, उभर करके क्या कर लेगा कि अपने अंदरूनी ये कर लेगा और अंदरूनी करके क्या करेगा इस भोजन को ग्रहण कर लेगा। इसी जो ये उभरे हुए भाग को इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये सब जो है अमीबा का क्रियाकलाप है, ये चीज हम लोग जान चुके समझ चुके। इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन आंसर जानेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है यकृत बोला जाता है, यकृत कहिए या इसको लीवर भी कह सकते हैं ठीक है, यकृत या लीवर भी कह सकते हैं इसको। इसका क्या आंसर होगा, यकृत या लीवर ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में भोजन का पाचन डॉट में शुरू होकर में पूरा होता है, मतलब पाचन जो है प्रारंभ कहाँ से होता है, पचना तो जो है प्रारंभ होता है कहाँ से, तो मुख से होता है ठीक है। आंसर में क्या होगा, मुख से जो है पाचन इसका प्रारंभ होता है, उसके बाद जो है अंत में कहां तक की जाता है ये भोजन, तो बड़ी आंत, पहले मुख जो होता है इसमें प्रवेश कर किया जाता है, तो क्या होता है जैसे ही आप दांत चलाते हैं और जीव चलाते हैं, इससे क्या पहले फर्स्ट प्रारंभ होता है पचना, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद छोटी आंत पे जाता है, छोटी आंत पे जो सर्वाधिक भोजन पचता है, उसके बाद क्या बड़ी आंत पे जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है निष्कासन ठीक है। इसके बाद जो है सी नंबर में दिया गया है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
एवं डॉट डॉट का अस्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डॉट डॉट क्या होगा, तो पाचक रस पाचक रस का अस्त्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। क्योंकि अमाशय में क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस निकलते हैं, वे क्या करते हैं भोजन को क्या करते हैं पचाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मनुष्य में पोषण के चरण है, मनुष्य में पोषण के चरण भी है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहले क्या होता है उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट चरण में क्या होता है, अग्रग्रहण, अग्र फर्स्ट में क्या होगा, तो अग्रग्रहण। ठीक है, उसके बाद जो होता है क्या चीज, पाचन। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण। उसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या लिखे, अग्रग्रहण मतलब ग्रहण करते हैं, नलिका के द्वारा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पाचन होता है, पचता है, और पच करके उसके बाद क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, और अवशोषण होकर उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, और स्वांगीकरण के माध्यम से आपके विभिन्न शरीर के पार्ट में क्या होता है, भोजन के विटामिन ये सब क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपने भोजन को डॉट डॉट की सहायता से ग्रहण करते हैं, किसकी सहायता से ग्रहण करते हैं, तो ये खाद धान के माध्यम से ग्रहण करते हैं, खाद पीते, इसी के माध्यम से क्या करते हैं जी, इसी के माध्यम से ये अमीबा जो होते हैं अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, ये चीज हम लोग जान चुके समझ चुके, इसके आगे हम और